तो फ्रेंड्स बात करते हैं आज के ब्लॉग की। आपको लेकर जाऊंगा सिडनी की फेमस वर्ल्ड फेमस फेरी राइड पे, जो कि जहाँ की फेमस वाटर बस है और सिडनी को इसके नॉर्थन बीचेस के साथ कनेक्ट करती है। आप इस ब्लॉग में देखेंगे वर्ल्ड फेमस ओपेरा हाउस और जानेंगे इसके बारे में। और फाइनली है मैनली बीच। ओहो भैया, इसकी तो बात ही बड़ी खास है, दूर दूर तक समुंदर और ठंडा ठंडा पानी। सो लास्ट तक देखिए इस व्लॉग को और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ ही प्रेस करें बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच। सो लेट्स स्टार्ट द बीच जर्नी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका ट्रैवल के प्योर देसी चैनल में। कैसे हैं आप सब? ढेर सारा प्यार देने के लिए शुक्रिया। क्या करना है? बीच पे। बीच पे फेरी से जाएंगे। ओके। तो भैया सुबह के बज गए हैं 5 और बच्चे उठ गए हैं। वैसे तो जी 8 बजे उठते हैं। मैं हूँ इस समय कैनबरा, और जो कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, जहाँ से सिडनी की डिस्टेंस है 250 किलोमीटर के आसपास। और मैं जाऊँगा कार से, और जिसमें लगेंगे 2 से 3 घंटे। कैनबरा और सिडनी के रास्ते में रुकने और रेस्ट करने के लिए, जहाँ पे आप रुक के रेस्ट कर सकते हो, काफ़ी रेस्ट पॉइंट्स हैं। और उसके अलावा आपको मैकडोनल्ड, हंगरी जैक्स, KFC जैसे फूड स्टेशंस मिल जाएंगे, जहाँ पे आप रुक के फ्रेश हो सकते हो और ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर आदि कर सकते हो। मैं भी कुछ ऐसे करने वाला हूँ, कोई फूड पॉइंट ढूँढ रहा हूँ जहाँ पर कुछ ब्रेकफास्ट कर सकूँ, लाइक बर्गर्स और कॉफ़ी। लाइक तो अभी हम रास्ते में रुके हैं मैकडोनल्ड्स पे, तो बच्चों की डिमांड पे कर दी है मैंने ऑर्डर बुक, एग बर्गर्स और मेरे लिए कॉफ़ी, और ऑर्डर नंबर है 169। और भैया बिल बन गया है $20 के आसपास। और बच्चों की एक्साइटमेंट, अरे वाह भी वाह, मैकडोनल्ड में डांस कर रहे हैं। ब्रेकफास्ट अपना हो गया और सिडनी है जहाँ से 102 किलोमीटर और मैक्सिमम लगेगा 1 घंटे के आसपास। और सिडनी हम जाएंगे हैरिस पार्क। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं ब्यूटीफुल सिटी सिडनी में, और सिडनी पहुंचने के बाद आपको ओपेरा हाउस जाने के लिए सर्कुलर की रेलवे स्टेशन तक जाना होगा, जो मैं जाऊंगा सिडनी सिटी के टॉप मोस्ट ट्रैवलिंग सोर्स ट्रेन से। और हैरिस पार्क है इसका मेन स्टार्टिंग स्टेशन। हैरिस पार्क से मैं लूँगा सर्कुलर की तक जाने के लिए ट्रेन, और इसमें लगेंगे मुझे टोटल 40 मिनट्स के आसपास। सर्कुलर की से जाएंगे हम ओपेरा हाउस, और ओपेरा हाउस से लेंगे फेरी के लिए ओपल कार्ड। ओपल कार्ड जहाँ का एक टिकट सिस्टम है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सो लेट्स गो टू सिडनी ट्रेन। ओपेरा हाउस के सामने खड़ा हूँ, और सामने तो जो नज़ारा है ही बढ़िया, मौसम भी बढ़िया हो रहा है,
ओपेरा हाउस है सिर्फ सिडनी की नहीं, ऑस्ट्रेलिया की यान बान और शान। एक्चुअली ओपेरा हाउस एक मल्टी वेन्यू परफॉर्मिंग आर्ट सेंटर है जो कि सिडनी के सिडनी हार्बर पे बना है। ये 20th सेंचुरी की सबसे मोस्ट फेमस और डिस्टिंक्टिव बिल्डिंग्स में से एक है और इस बिल्डिंग को डिज़ाइन किया था डेनिश आर्किटेक्ट जॉन उडजॉन ने। इस ब्यूटीफुल बिल्डिंग को सिडनी ओपेरा हाउस ट्रस्ट द्वारा मैनेज किया जाता है और हर साल यू कांट बिलीव इस बिल्डिंग को देखने के लिए पूरे वर्ल्ड से 3.5 लाख विजिटर्स आते हैं। जून 2007 को सिडनी ओपेरा हाउस को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया जा चुका है दोस्तों। और अगर बात करें इस बिल्डिंग में क्या क्या है तो इसमें है एक कॉन्सर्ट हॉल विद 2679 सीट्स, जॉन साउदरलैंड थिएटर, ड्रामा थिएटर, प्ले हाउस, स्टूडियो, उडजॉन रूम एंड एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो, और इसके अलावा आउटडोर फोर्ट स्टूडियो जिसमें सारा दिन कुछ ना कुछ विजिटर्स के मनोरंजन के लिए चलता रहता है। यही है वो शिप भैया जिसमें मैं जाने वाला हूँ, ग्रीन रूम कर दिया उन्होंने कि भाई सीट पे आके अपनी अपनी सीट जो है वहाँ पे आके बैठ जाओ, सीट लेने के लिए थोड़ा सा बहुत एफर्ट भी करना पड़ेगा। लेट्स वॉच। मैं बैठने वाला हूँ शिप की आउटसाइड बनी बालकोनी में। तो भाई एक्साइटमेंट जो है ना वो बढ़ती जा रही है, वेट कर रहा हूँ कब शिप चले। रस्सियाँ उतार रहे हैं शिप को चलो शुरू करने के लिए। आई थिंक ये बंदी होती है साइड पे जो पिलर बने हुए हैं ना कौन से, तो रस्सियाँ उतार दी हैं। वाह तो बात करते हैं सिडनी फेरीज की। जे एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट फेरी नेटवर्क सिस्टम है जिसको हम वाटर बस भी बोल सकते हैं। सिटी से लेके मेनली बीच जहाँ पे हम जाने वाले हैं वहाँ तक कोई भी ट्रेन नेटवर्क नहीं है, और अगर आप बस से वहाँ जाते हो तो आपको लगेंगे पूरे 40 से 45 मिनट्स, और फेरी राइड से जाते हो तो लगेंगे सिर्फ 25 मिनट। फेरी राइड का प्रॉपर अड्डा है सर्कुलर की जहाँ से आपको ओपल कार्ड बनवाना पड़ेगा जो कि $20 में बनेगा। ये एक तरह का फेरी राइड पास है, इसी ओपल कार्ड को स्वैप करके आप फेरी राइड ले सकते हो, और इसी ओपल कार्ड को सिडनी के जो लोग रहने वाले हैं वो अपने ऑफिस जाने के टाइम पे और कोई भी काम करने के समय इसी ओपल कार्ड को यूज़ करते हैं ट्रेन और बस की टिकट लेने के लिए। सो एक बेहतरीन ऑटोमेटिक टिकट सिस्टम है। भैया 25 मिनट्स हो गए हमको फेरी में समुंदर का और ठंडी हवा का मजा लेते हुए। सो अब टाइम है बीच में पहुंचने का, हमारी डेस्टिनेशन रही गोसा।
और हमारे वाला भी जो है वो भी लग गया अपने ठिकाने पे 16 स्टॉप। काफ़ी बड़ा शिप था यार, सारे लोग इसी शिप से उतर रहे हैं जिस शिप में मैं था। वाह भाई वाह। तो भैया आफ्टर फेरी राइड समुंदर का मज़ा लेने के बाद अब मैं पहुंच गया हूं मेन अपनी डेस्टिनेशन पे। ये जो रास्ता है ये जा रहा है मैली बीच की ओर, और इस रास्ते को ओशियन वे बोला जाता है। और इस रास्ते में आपको शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, नाइट क्लब्स, क्लॉथ स्टोर्स और बार्स मिल जाएंगे। कुछ भी आप लेना चाहते हो तो आप रास्ते में बस लेते जाइए और मैली बीच की ओर जाते जाइए। No. तो 5 बजे का उठ हुआ था मैं और नींद का फुल झटके लग रहे थे नींद के, तो इसलिए कोल्ड कॉफ़ी ली है मैंने, ट्रिपल एस्प्रेसो। तो भैया फाइनली जिस घड़ी का इंतज़ार था वो घड़ी पूरी हो गई है। मैं इस समय हूँ मैली बीच सिडनी में। तो सुबह मॉर्निंग चला था मैं 5 बजे और अभी टाइम हुआ है 2:14। रास्ते में कुछ खाया कुछ पिया, सारा टाइम मिला के ट्रेन का बस का टोटली मेरे ख्याल से 7-8-9 घंटे लग गए हैं कैनबरा से सिडनी के लिए, लेकिन सारी थकावट दूर हो गई है। तो भैया जैसा कि मुझे पता चला है ना, जो मैली बीच है वो सिडनी के नॉर्थन में जितने भी बीच हैं सबसे इसकी शान जो है ना वो अलग है। इस बीच का नाम ऑस्ट्रेलिया के इंडिजिनियस लोगों को देखकर, जो जहाँ के मूल निवासी है ना जिनको हम एबोरिजिनल भी बोलते हैं, उनको देखकर रखा था कैप्टन आर्थर फिलिप कुक ने। मेरे ख्याल से जैसे ही उसने अपना जो बड़ा सा बेड़ा था पुराने टाइम पर जो उसका शिप था, वो जैसे ही इस बीच पर आके उसने रोका तो इंसान देखे तो उन्हीं को देख के उसने बोल दिया अरे भाई ये तो मैली बीच है। चला गया सचमुच, इतना नमकीन के जैसे ना
चम्मच का एक बड़ा नमक का चम्मच जो है ना मुंह में डाल दिया हो। का मैं इतना हैबिचुअल तो है नहीं, पर फिर भी मैं रिस्क लेके अंदर चला गया था। और जब एक वो आई ना, क्या बोलते उसको, लहर, उसने मुझे पैरों से जब वो खड़ा तो भाई मैं तो डर गया, मैं तो आ गया उसी टाइम बाहर। सो जब भी आप कभी बीच पे आओ तो अगर आपको फुल जानकारी है हाउ टू स्विम इन सी वाटर, सो तब आना, नहीं तो रिस्क लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। बड़ा मज़ा आ रहा है, ऑसम फायदा है। सिडनी के लिए और अभी हो गए हैं शाम के 7:30 वापिस आने का। तो भैया घूम भी लिया, बीच भी देख लिया, सिडनी सिटी भी देख ली, बीच देखा, बहुत मज़ा आया। सिडनी घूमे, बड़ा अच्छा लगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा आज का व्लॉग। तो नेक्स्ट व्लॉग में भी ऐसे ही कुछ अमेजिंग आपको दिखाऊंगा।